ओके गाइस, सो टाइम इज 11:40 एंड यहाँ पर हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को कास्ट करने वाले हैं। आई बिलीव कि यहाँ से हमें आराम से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो हम क्या करने वाले हैं, हम 35,200 का जो कॉल है उसको बाय करने वाले हैं। 35,200 का कॉल और उसके 4 लॉट्स हम बाय करेंगे मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस पर नहीं, थोड़ा सा नीचे के लेवल पर मिल जाए ना वैसे करेंगे। 1 मिनट पर चलते हैं। ये लेवल के आसपास, 400 के आसपास, 398 के आसपास अगर मिल जाए ना तो वेल एंड गुड। 380 के आसपास तो मिलना मुश्किल है थोड़ा सा। 410, एक काम करते हैं मार्केट प्राइस पे ले लेते हैं। थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आ जाए ना तो फिर हम उसको बाय कर सकते हैं। आज हम ऑप्शंस में बाय करने वाले हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। एंड इसका ब्रेकआउट अभी तक मार्केट ने दिया नहीं है, निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी जो है वो भी नीचे की ओर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, आई होप कि ये जो ब्रेकआउट है वो ट्रैप ना हो बायर्स को बुलाने के लिए और यहाँ से फिर नीचे चला जाए। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ना ऑलरेडी ये वाला ट्रैप तो मुझे समझ में आ गया, ये वाला ट्रैप समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट, फिर ये नीचे रीटेस्ट, और अगर यहाँ से ऊपर जाएगा ना तो फिर हमारे लिए वो ईजी हो जाएगा। एंड अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो फिर जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट ने ये फेक ब्रेकआउट दिखाकर यहाँ से नीचे जा सकता है बहुत ही आराम से इन लोगों के स्टॉप लॉसेस देने के लिए। मैं कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हूँ मार्केट में। सो इसीलिए मैं यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ से मुझे बाय करना चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम 35,200 का कॉल यहाँ पर बाय करने वाले हैं मार्केट प्राइस में। यहाँ से एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो 35,200 का जो कॉल है उसको हमने बाय कर लिया है। एंड स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस उसको हम देने वाले हैं ये लेवल के आसपास, मतलब 25 to 30 points के आसपास, मतलब कि 2,500 से 3,000 के आसपास अपना जो यहाँ पर रिस्क है वो है। एंड अगर हम बात करें टारगेट की तो टारगेट जो है वो हम बैंक निफ्टी में लगाएंगे। बैंक निफ्टी में अपना टारगेट रहेगा ये, यहाँ तक हम अपना जो टारगेट है वो अचीव करने तक रुकेंगे। करीब करीब 100 points बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तब जा करके हम मार्केट में से एग्जिट करेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है वो हम इसके आसपास दे देंगे। अभी हमें 600, 700, 800 के आसपास लॉस चल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, 700, 800 के आसपास लॉस चल रहा है। ऑप्शन में हमने ट्रेड लिया हुआ है गाइस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑप्शंस आर वॉलेटाइल, वेरी वॉलेटाइल। मार्केट में ऑप्शंस में ट्रेड करना मतलब बहुत ही रिस्की होता है। तुरंत आप देख सकते हैं थोड़ी देर में हमें 1,300, 1,400 के आसपास लॉस दिख गया है। हमने ये वाले कैंडल के आसपास मार्केट को लॉन्ग किया हुआ है यहाँ पर, तो स्टॉप लॉस जो है वो हम ये वाला दे सकते हैं। टारगेट जो है वो हम ये वाला देंगे। तो 1:2 का आर आर रेशियो यहाँ पर अच्छे से बैठ तो रहा है, राइट। अब इसके हिसाब से क्या होता है बताइए, यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज हो गया तो अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो 35,200 का कॉल है वो थोड़ा सा मेल्ट हो सकता है, उसमें थीटा जो है वो थोड़ा सा हमें नुकसान पहुँचा सकता है। बट मेरा जो कन्विक्शन है वो यहाँ पर ये यह है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा रिट्रेस करने के लिए भी ऊपर जाना चाहिए, राइट। एंड यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हालांकि निफ्टी हमें थोड़ा सा नुकसान पहुँचा सकती है, वो ये है कि यहाँ देखिए चार्ट में निफ्टी में ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। 16,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मार्केट ने 2 से 3 बार उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया और आई थिंक वो ट्रैप था सेलर्स के लिए। इसलिए आई वॉज वेटिंग कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद ऊपर जाता है ना, तो फिर मैं यहाँ पर सेफ हो गया कि चलो ठीक है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बाकी सारे लॉजिक्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एंड अगर हम पोजिशन देखें तो अभी नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसका अगर चार्ट दिखाऊं मैं आपको, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ तो आया हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करके ये लेवल के आसपास आ जाएगा तो फिर अपने लिए वो आसान हो जाएगा प्रॉफिट थोड़ा सा लेना। ठीक है, सो हमें जो ये ऑप्शन मिला है 401.88, मतलब ऑलमोस्ट 402 पे मिला हुआ है। तो अगर हम यहाँ से 402 लगाते हैं, 402 ये रहा, चलो थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ये वाला स्टॉप लॉस दे देंगे एंड टारगेट हम ये वाला दे देंगे। टारगेट 1:2 के आसपास होना चाहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सही रहेगा। सो दिस इज द टारगेट 462.52, ये अपना टारगेट है मार्केट में। एंड ये अपना स्टॉप लॉस है 372 के आसपास, राइट। सो यहाँ पर इस ट्रेड में अब जो है 2,800, मतलब कि 3,000 के आसपास अपना यहाँ पर रिस्क है और 6,000 के आसपास यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं, वेट करते हैं किस तरीके से ट्रेड परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने मार्केट में से एग्जिट कर दी है अपनी पोजीशन। 401 पर हमने ट्रेड लिया था, बाय किया था, एंड 440 पर हमने मार्केट को
एग्जिट कर दिया यहाँ पर, एंड आज हमने बुक किया हुआ है 3,800 रुपीज़ एज एन प्रॉफिट, राइट। सो यहाँ पर मेरा लॉजिक क्या था, आज हमने ऑप्शन में बाय किया हुआ था, यू कैन सी कि यहाँ पर हमने बाय किया था और यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया, जैसे ही वो रेजिस्टेंस जोन के आसपास आया मार्केट, हमने यहाँ से अपनी अपनी जो पोजीशन थी उसको एग्जिट कर लिया, थोड़ा सा जल्दी एग्जिट किया हुआ है। पहले मैं आपको इसका जो ट्रेड सेटअप है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया था। सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक हाई लगाया है एंड उसके बाद मार्केट जो है रिट्रेस कर रहा है, ये हाई ये रिट्रेस 61% का रिट्रेसमेंट, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखो ये डबल टॉप पैटर्न है, मतलब यहाँ से अच्छा सा सेल ऑफ किया होगा, मतलब कि इसके ऊपर अच्छे से स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, राइट। 61% का ये रिट्रेसमेंट, ओके। फिर भी मैंने तुरंत एंट्री नहीं ली, फिर मैंने क्या किया, 1 मिनट में गया, 1 मिनट में आई वॉज वेटिंग कि एक बार यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं ना उनको एक बार मार्केट को लेकर जाने दो। जैसे कि यहाँ पर बाइंग हुई है, यू कैन सी कि यहाँ पर बाइंग हुई है, यहाँ पर बाइंग हुई है, यहाँ पर भी बाइंग हुई है, तो इन सब के स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पर, तो एक बार मार्केट को नीचे आने दो स्टॉप लॉसेस लेने के लिए। सो आई वॉज वेटिंग, इस वाले कैंडल ने मार्केट में यहाँ पर जो टाइट स्टॉप लॉसेस पड़े थे वो ले लिए। फिर देखो मार्केट ने क्या किया, देन आई स्पॉटेड दिस वन कि यहाँ पर मार्केट ने अच्छा सा ब्रेकआउट दिया हुआ है, सो चलो यहाँ से हम बाय कर लेते हैं क्योंकि मार्केट ने स्टॉप लॉसेस तो ले लिए। फिर भी मैंने वेट किया, यहाँ पर आई वॉज वेटिंग कि कहीं ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग हुई है, देखिए ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ये जो ग्रीन कैंडल्स है यहाँ पर बाइंग हुई है, मार्केट ने उनको भी निकाल दिया तुरंत ही, ये देखो उनको भी मार्केट ने निकाल दिया, मतलब अब नीचे कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, मार्केट में नीचे कोई लिक्विडिटी नहीं है। सो आई वॉज वेटिंग कि एक बार इस जोन को वापस अगर रीगेन कर लेगा ना तो फिर मैं यहाँ से बाय कर लूँगा। सो जैसे ही मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई, फिर ये वाली कैंडल बनाई, सो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि अब जो है मार्केट इनके स्टॉप लॉसेस लेने के लिए जा रहा है आराम से, राइट। सो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली एंड दिस वॉज माई स्टॉप लॉस एंड दिस वॉज माई टारगेट, ये वाला, राइट। और हमने किया क्या, यहाँ पर कौन सी प्राइस है, आप देख लो यहाँ पर प्राइस चल रही है 35,200 का ये लेवल है, सो हमने 35,200 का जो कॉल है उसको हमने बाय कर लिया अराउंड दिस कैंडल, इसी कैंडल के आसपास हमने बाय कर लिया। ये था अपना टारगेट, ये था अपना स्टॉप लॉस और यहाँ पर हमने मार्केट को एग्जिट कर दिया। हालांकि मैंने मार्केट प्राइस पर एग्जिट किया हुआ था इसको, इसलिए मुझे थोड़ा सा टारगेट कम मिला, जो मेरा डिजायर्ड टारगेट था 462 के आसपास वो मुझे नहीं मिल पाया एंड मुझे मिला हुआ है 440 का। सो यहाँ पर 1,500 रुपये के आसपास तो अपना थोड़ा सा लॉस है, मिस हो गया वो टारगेट। हालांकि मेरा टारगेट तो 470 के आसपास था जो कि आराम से ये मिल चुका है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी क्यों कर दी, क्योंकि यहाँ पर गाइस एक तो मैंने 100 क्वांटिटीज ली थी वो भी ऑप्शन में, और वो भी मैंने बाय किया हुआ था ऑप्शंस को। सो जब भी ऑप्शंस को बाय करो ना, तब एक चीज़ ध्यान रखो कि आप बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे हो अपनी कैपिटल साइज के हिसाब से। मैंने यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया था, हालांकि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे यहाँ पर बाय करना है, क्योंकि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नीचे स्टॉप लॉसेस है ही नहीं, मार्केट में नीचे है ही नहीं यहाँ पर स्टॉप लॉस लिक्विडिटी, तो मार्केट कहाँ जाएगा। यहाँ पर थे वो मुझे मालूम था कि यहाँ पर थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस हैं जो कि मार्केट ने ले लिए हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस नहीं है इतने कंपेरेटिवली जितने यहाँ पर हैं, राइट। सब यहाँ से मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, तो अब इतनी यहाँ तक आने के बाद मार्केट इनको नहीं निकालेगा क्या यहाँ पर, तो इसलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाई कि यहाँ पर नीचे से के स्टॉप लॉसेस ले लिए, सेलर्स को ट्रैप कर दिया, वापस मार्केट इन लोगों के पास जा रहा है, राइट। दिस वॉज माई सिंपल एनालिसिस फॉर द डे एंड इसको सपोर्ट मुझे किया निफ्टी ने। निफ्टी को अगर मैं देखता हूँ 5 मिनट में अभी भी है, तो निफ्टी जो है यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ये वाले कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया, मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे सेल नहीं करना था, आई वॉज लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, मुझे मालूम था कि ये ट्रैप है। फिर मैंने वेट किया इस वाले कैंडल का, फिर मैंने वेट किया इस वाले कैंडल का, जब मुझे लगा इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तब मैंने निफ्टी में देखा कि निफ्टी में ये वाली मोमेंटम आ रही है, तभी मैंने यहाँ से मार्केट में एंट्री ले ली और ऑप्शन को बाय कर लिया। बैंक निफ्टी को मैंने बाय नहीं किया, ऑप्शन को बाय कर लिया एंड आज हमने बुक किया हुआ है 3,800 रुपीज़ एज इन प्रॉफिट। आप देख सकते हो कि मैंने 11:48 के आसपास ट्रेड लिया और 12 o'clock 5 मिनट में तो मैं निकल भी गया, 10 से 15 मिनट में मैंने यहाँ पर मार्केट में से एग्जिट कर ली क्योंकि मैंने ऑप्शन को बाय किया हुआ था। लेट मी टेल यू वंस अगेन, ऑप्शंस आर हाईली रिस्की। अगर आपके पास कोई अच्छा सा ट्रेड सेटअप है, कन्विक्शन बहुत सपोर्टिव है, स्ट्रांग है, तभी जाकर के आपको मार्केट में ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, अदरवाइज यू मस्ट नॉट गो लॉन्ग इन द ऑप्शंस, ऑलराइट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बुक किया है आज हमने 3,800 रुपीज़ एज इन प्रॉफिट्स। यू टुमारो।